नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। और आज इस भूगोल की क्लास का मज़ा लेने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो कल आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमारे द्वारा जो है भूगोल की स्पेशल क्लास जो है स्टार्ट कर दी गई है, जो लेवल टू के लिए जो है रामबाण सिद्ध होने वाली है। इसका मतलब वन डे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन भूगोल से आते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये क्लास आज से प्रारंभ हो रही है, ये समथिंग मान के चलिए कि 100-125 लेक्चर में जो है समाप्त होगा। इसका मतलब हम आपको पूरे संपूर्ण भूगोल पढ़ाने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको एक एक टॉपिक पढ़ाने के बाद सभी टॉपिक का जो है MCQ करवाएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो समझिए कि एकदम मज़ा आ जाएगा और आपको उस टॉपिक पे जो है एक बेहतरीन जो है पकड़ बन जाएगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम भूगोल के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक होगा, जो कि आप थंबनेल पे देखे होंगे, लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय। तो दोस्तों आज के वीडियो में, आज के पहले क्लास में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे भारत का परिचय। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है भारत का परिचय। जी हाँ, भारत के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे कि अपना भारत जो है ग्लोब पे कहाँ पे कैसे स्थित है, ग्लोब पे जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों पे जो है कहाँ पे स्थित है, मतलब सभी के बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके पहले हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सभी मित्रों के पास भेज दीजिए, कि जिससे जो भी मित्र इंतजार कर रहे हैं भूगोल की क्लास का, वो भी बैठ के जो है पूरा आनंद उठा सकें। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, भारत का जो हम परिचय पढ़ेंगे वो समथिंग जो है 3 से 4 वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे ना। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग बोर हों, आप लोग इन्जॉय करते रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय दोस्तों हम दो तरीके से देखेंगे। कैसे? एक तो हम देखेंगे ग्लोब पर और दूसरा देखेंगे महाद्वीप पर। तो चलिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोब पे, सबसे पहले बात हम कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्लोब पे। तो ग्लोब पे बात करते हैं, उसके बाद हमने बताया कि उसके बाद जो बात करेंगे हम महाद्वीप पे बात करेंगे। चलिए हम महाद्वीप भी यहाँ पे लिख लिए, महाद्वीप। दोस्तों चलिए, आपने देखा ग्लोब और महाद्वीप, जी हाँ, एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन आप दबाएंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्लोब की बात करें दोस्तों, अगर हम देखें भारत का परिचय में ग्लोब, आपको मालूम है कि ये ग्लोब का मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी पे ही अपना भारत स्थित होगा। कहाँ पे है, कैसे, एक एक करके बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ग्लोब पे ही बताते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम एक अक्षांश और देशांतर रेखा की वीडियो बनाए हैं, यानी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड लाइन का जो है एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके पहले लिंक पे क्लिक करके आप अक्षांश और देशांतर रेखा को भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की, कि ग्लोब पे हमारा भारत कहाँ पे और कैसे स्थित है। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले हम यहीं पर जो है एक बना दे रहे हैं, क्या, ग्लोब बना दे रहे हैं। बढ़िया बन गया ना गोल सा, जी हाँ, ये ग्लोब बन गया। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, इसी ग्लोब पे जो है हमने बीच में एक लाइन बताई थी, याद है? इस लाइन का नंबर था 0 डिग्री, याद है? जी हाँ, इस लाइन का नंबर था 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग क्या बोले थे, इसको बोलते थे विषुवत रेखा। क्या बोलते थे दोस्तों? विषुवत रेखा बोलते थे, या फिर इसे इंग्लिश में जो है मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे एक कर्क रेखा, नीचे क्या देखे थे, मकर रेखा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो हमारा ये गेंदा है, यानी जो हमारा ग्लोब है,
इस ग्लोब को हमने बीच से काट दिया है, यानी एक उत्तर वाले हिस्से को निकाल दिया, एक दक्षिण वाले हिस्से को निकाल दिया। इसका मतलब जो गोले का आधा यानी जो ऊपरी वाला हिस्सा है दोस्तों, गोले के आधा को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। जब ये उत्तर में है तो इसे क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जबकि नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपको मालूम है कि इस गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं। तो ये रहा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमने दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, एक तो मैंने उत्तरी और दक्षिणी दिखाया, आपको समझिएगा एक एक करके। अब देखिए ग्लोब को हम इस तरीके से काट देते हैं, याद आया ना, दिशा देखना सभी को मालूम है। जी हाँ, अब देखिए इस वाला ए भी आधा गोला हो गया और ए भी आधा गोला हो गया। इसका मतलब जो पूर्व के साइड का गोला है इसे हम क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे, यानी पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, जबकि इधर वाला वेस्ट है इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। समझ में आया ना? चलिए इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं आगे। अब ये लाइन बीच में खींची गई है। अब देखिए यहीं पर हम ए लाइन पुनः फिर बना लेते हैं, यानी भूमध्य रेखा को। कुछ याद आया? चलिए अब हम लोगों ने देखा था वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में यहीं पर 23.5 डिग्री पे जो है एक लाइन खींची गई थी। ये जो 23.5 डिग्री पे दोस्तों लाइन खींची गई थी 23.5 डिग्री उत्तरी पर, इसका नाम क्या था? कर्क रेखा, या फिर इसे जो है कैंसर लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए इसी तरीके से हम लोगों ने नीचे दक्षिण में यहाँ पे भी देखा था, ये भी जो है 23.5 डिग्री पे ही खींची गई थी, 23.5 डिग्री दक्षिणी पे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका कैप्रिकॉन लाइन, यानी फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। समझ में आया ना? तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे हम अलग बना रहे हैं। जितने भी YouTube चैनल हैं सभी YouTube चैनल से जो है सबसे अलग बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों ये मास्टर क्लास है और हम आपको बना देंगे क्या? मास्टर। चलिए देर ना करते आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो कर्क रेखा देख रहे हैं ना, हमने बताया था जब अक्षांश देशांतर रेखा पढ़ा रहे थे, हमने बताया था उसी कर्क रेखा पे अपना भारत स्थित है, है ना। लोग कहते नहीं है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, सुने होंगे? चलिए एकदम सही सुने दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा पे यहीं पर हमारा भारत जो है स्थित है, ये रहा भारत हमारा। तो दोस्तों अब आप देखिए कि ये बीच का एकदम सेंटर पॉइंट है, यानी पृथ्वी का मेन बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जिसे हम कोर भी कहते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब ये हिस्सा देख रहे हैं ना, एकदम 90° का कोण बना रहा है ना। जब 90° का कोण बना रहा है, इसका मतलब भारत हमारा ऐसे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं ना, मतलब एकदम ऐसे तिकोने पे स्थित है, यानी तो ना तो पूरी तरीके से उत्तर में है और ना तो पूरे तरीके से क्या है? पूर्व में है। इसका मतलब उत्तर में भी आ रहा है और पूर्व में भी आ रहा है। जब उत्तर और पूर्व दोनों में आ रहा है, यही कारण है दोस्तों कि हम लोग कहते हैं कि अपना भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है दोस्तों। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपना भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि पृथ्वी पे अपना भारत कहाँ पे स्थित है। जी हाँ, ये समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस क्लास को अगर नहीं समझ पाए तो दोस्तों समझिए कि आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आपको जो है बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके जो है आप टेलीग्राम हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन रहते हैं, सारे नोटिफिकेशन जो आपको उसी टेलीग्राम पे जो है दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है
यूपी टेट के स्पेशल नोट्स तैयार किए गए हैं। जी हाँ, यूपी टेट के स्पेशल नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप उस नोट्स को लेना चाहते हैं तो ये जो नीचे स्क्रॉलिंग में हमारे नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर पे कॉल करिए, हमारे काउंसलर से आप बात करिए, बात करेंगे जब, जो भी आप पूछेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। नोट्स आपके घर तक सुरक्षित भेज दिया जाएगा, हार्ड कापी चाहेंगे। अगर आप सॉफ्ट कापी यानी पीडीएफ भी अगर चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए, ये तो मैं आपको समझा दिया कि हमारा भारत ग्लोब पे कैसे और कहाँ पे स्थित है, इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर हम बात करने वाले हैं तो बात अब हम करेंगे, बताएंगे कि महाद्वीप पे अपना भारत कहाँ पे कैसे स्थित है। तो चलिए हम महाद्वीप की बात कर लेते हैं। महाद्वीप की दोस्तों आप मेरे साथ पेन और कापी लेके नोट्स बनाते रहिएगा, ये सब आपके जो है बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएं तो आपके लिए जो है दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। चलिए महाद्वीप, अब बात करते हैं इस महाद्वीप पे जो है कहाँ पे कैसे स्थित है। चलिए दोस्तों, ये जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप पे जो है एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है क्या, एशिया महाद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। और उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है मित्रों, इस महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया महाद्वीप है। और इसी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना भारत स्थित है। तो चलिए, एशिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप के दोस्तों जो है दक्षिण में स्थित है। चलिए मैं आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए, ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये पूरे वर्ल्ड का तस्वीर दिख रहा है। इस वर्ल्ड के तस्वीर में दोस्तों ये देखिए, जो उस उधर वाला हिस्सा ये देख रहे हैं पूरा, ये आपका रहा एशिया महाद्वीप। और इसी एशिया महाद्वीप में जो रेड कलर का देख रहे हैं वो अपना प्यारा भारत नजर आ रहा है। तो समझ में आया दोस्तों, एशिया महाद्वीप के कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में जो है अपना भारत स्थित है। और यही कारण है, दक्षिण में स्थित होने के कारण जो है इसे दक्षेस देशों की संज्ञा दी जाती है। किसकी दी जाती है संज्ञा दोस्तों? दक्षेस देशों की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, दक्षेस देश क्या है बता रहा हूँ। ये दोस्तों जो दक्षिण एशिया है ना, दक्षिणी एशिया में 8 देश हैं। 8 देशों ने जो है अपना संगठन बनाया हुआ है, जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं। चलिए बताते हैं सार्क क्या होता है। चलिए, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्क, चलिए दोस्तों, SAARC सार्क, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। इसे बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं? दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जी हाँ दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण में पड़ने वाले देश हैं, यानी दक्षिण दिशा में जो देश हैं, उसमें कुल 8 ऐसे देश हैं दोस्तों जो अपना एक संगठन बना के रखें। आप कहेंगे ये संगठन क्या बना के रखें सर? जी हाँ, जानेंगे। चलिए, दक्षेस देशों की संज्ञा क्यों दी गई, ये बताया गया कि इसे दक्षेस कहा जाता है क्योंकि दक्षेसों का ये संगठन है, जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। इसमें दोस्तों कुल 8 देश हैं। अब आप बात करेंगे सर, ये 8 देश करते क्या है? देखिए सुनिए दोस्तों, किसी भी मुद्दे पे कोई बात करनी हो, कोई समझौता करनी हो, कोई नीति बनानी हो, तो ये 8 देश जो है इस पे जम के काम करते हैं। जैसे अभी वो 8 देश कौन कौन है, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय में अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में 1 साल से चल रही है ना। अब आप सोचिए कि सभी देशों के पास अपनी अपनी ज़रूरतें होंगी, किसी को जो है वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, तो किसी ऑक्सीजन की नीड होगी, तो किसी जो है किसी को ICU की नीड होगी। कहने का मतलब सभी को अपनी अपनी ज़रूरतें, किसी को जो है वित्तीय की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या कोई सामाजिक मुद्दे की ज़रूरत पड़ती है,
कोई राजनीतिक बात की जरूरत पड़ती है या कोई सांस्कृतिक बात की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों ये आठों देश जो है मिल के जो है अपना काम करते हैं। वास्तव में जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना जब इसका हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, उस समय इसमें कुल 8 देश नहीं थे बल्कि कुल कितने देश थे, 7 देश थे। लेकिन आगे चल के जो है जब 13वां शिखर सम्मेलन हो रहा था 2005 में, उसी दौरान जो है इसमें एक नया देश शामिल हो जाता है जिस देश का नाम क्या था, अफगानिस्तान था। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि सार्क क्या है, इसके बारे में मैंने जो भी था तो हल्का सा हिंट दे दिया। मैं यहाँ पे सार्क नहीं बता रहा था बल्कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय मैं बता रहा था। भारत के परिचय में हमने एक बार आपको ग्लोब पे भारत को दिखाया कि ग्लोब पे हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, उसके बाद आपको दिखा दिया कहाँ पे, महाद्वीप पे दिखा दिया। तो दोस्तों इसको आप समझ गए हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि जो दक्षिण देश है जिसे हम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं जो आठों देश हमने बोले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको समझाते हैं। समझाने से पहले मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा जिससे जो है ये कभी जो है भूलने ना पाए दोस्तों। चलिए तो हम आपको समझाते हैं। दोस्तों आपको मालूम है ना कि आज कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर काम आते हैं ना। हाँ कौन डॉक्टर, MBBS MD यही सब डॉक्टर काम आते हैं ना। जी हाँ, तो हम बात करते हैं MBBS की। चलिए किसकी बात कर रहे हैं, MBBS MBBS। अब दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं MBBS ये किसका इलाज करते हैं, दर्द का इलाज करते हैं ना भाई, पेन। चलिए लिखते हैं PAIN पेन। इतना समझ में आ गया ना दोस्तों, ये ट्रिक है। इस ट्रिक पे आपको बताएंगे जिससे आपको सार्क देशों का जो संगठन है आठों देशों का, ये आठों देश आपके जुबान पे नहीं बल्कि आपके दिमाग में याद रहे। इसीलिए दोस्तों हमने तो इसका नाम रखा है ना मास्टर क्लास, भूगोल का मास्टर क्लास है दोस्तों। तो बताने से पहले फिर से आप कहना चाहूँगा कि अगर जो भी यूपी टेट के नोट्स को लेना चाहते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पर आप बात करिए। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, सभी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में लिया जा रहा है, ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, आप सोचे नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आगे, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप यम देख रहे हैं ना MBBS में, एम इस देश का नाम है मालदीव। क्या नाम है दोस्तों, मालदीव। समझ में आ गया, तो आपने देखा मालदीव। मालदीव के बाद जो दूसरा देख रहे हैं दोस्तों इसका नाम है भूटान। क्या नाम है, भूटान। तो ये रहा मालदीव, दूसरा रहा भूटान। तीसरे की बात करते भी इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है बांग्लादेश। समझ में आ गया, चलिए बांग्लादेश। इसके बाद जो ये देख रहे हैं यस, इसका मतलब क्या है, श्रीलंका, रावण का स्थान श्रीलंका। जी हाँ, चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं पी। पी से जो दोस्तों है आपका जो है नल्ला पाकिस्तान, आपका जो बेटा है बगल में, क्या नाम उसका, पाकिस्तान। जी हाँ, हमारे ही थाली में खाना खाता है और हमारे ही थाली में छेद करता है दोस्तों। तो ये रहा पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं ए, यही है दोस्तों नया वाला, इसको याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा है, अब आने वाले समय में जो है एग्जामों में पूछेगा, 100% यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो इस देश का नाम क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान। क्या नाम है दोस्तों, अफगानिस्तान नाम है। उसके बाद बात करते हैं आई, भाई अपना प्यारा देश, क्या नाम है, इंडिया, यानी अपना देश का नाम क्या है, प्यारा भारत। उसके बाद यन, यन फार क्या है भाई, भारत का पड़ोसी देश, आजकल नाराज है, आजकल जो चीन के चंगुल में फंस गया है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है नेपाल। तो दोस्तों ये आठ देश रहे। तो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए भारत का जो परिचय है उसमें मैं समझाया कि भारत ग्लोब पे कैसे स्थित है, महाद्वीप पे कहाँ पे कैसे स्थित है, बल्कि आपको एक चित्र के माध्यम से जो है भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको बताया कि जो महाद्वीप पे स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि हमारे
पृथ्वी पर यानी हमारे ग्लोब पे कुल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। और उसी एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित होने के कारण, क्योंकि एशिया महाद्वीप के जो है दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षेस देशों की संज्ञा दी गई। और दक्षेस का मतलब क्या होता है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। इसका मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब दक्षिण में जितने भी देश हैं इन देशों का अपना एक संगठन है। किसी भी मुसीबत के समय जो है ये सब देश बैठक करके जो है एक दूसरे को तालमेल बनाने में, एक दूसरे को सहयोग करने में जो है पूरा पूरा अपना रोल अदा करते हैं दोस्तों। उसी तरीके से ये क्लास बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, तो देर ना करते हुए जोरदार तरीके से सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर इस क्लास का कोई टाइम है, अगर किसी टाइम से आप क्लास चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां और लगती हैं आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए दोस्तों खुला है। दोस्तों आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।